हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज यहाँ पे हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ पार्ट, जहाँ पे हम देखेंगे WH क्वेश्चन प्लस टू, यानी कि जब हम कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं WH क्वेश्चन में, तो वहाँ पे टू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जहाँ पे हम सेंटेंस को सीख सकते हैं और बना सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, क्या करूँ, वॉट टू डू, यानी कि यहाँ पे वॉट, दैट इज़ यहाँ पे WH आ गया और उसके साथ लगा है आपका टू, तो वॉट टू डू। एंड सेकेंड सेंटेंस जैसे आप देख सकते हो, क्या बताऊँ, दैट इज़ मी वॉट टू टेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यही सब बताऊँगा कि WH के साथ कैसे हम टू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ब आएगा। तो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस था वॉट टू थिंक, यानी क्या सोचूँ। एंड फोर्थ सेंटेंस है कब जाऊँ, दैट इज़ मी वॉट टू कम। ठीक है, आऊँ या जाऊँ, तो वहाँ पे डिपेंड करता है आपका क्या आएगा, तो वॉट टू कम और वॉट टू गो ऐसा आ सकता है। कैसे कहूँगी, वॉट टू से, ठीक है, वॉट टू से या सॉरी हाउ टू से। ठीक है, तो ये हाउ टू से, यानी कि ये भी एक तरह का WH क्वेश्चन का पार्ट है। तो आते हैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस पे, क्यों जाऊँ, ठीक है, वाई टू गो। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ी मैं आपको WH प्लस टू बता रहा हूँ, लेकिन इससे और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली इंग्लिश पे, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको प्रीपोजिशन और अलग अलग इंग्लिश ग्रामर बताने वाला हूँ, तो आप सीख सकते हो। और यहाँ पे भी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, आपसे कहाँ मिलूँ। ठीक है, आपसे कहाँ मिलूँ, मैं मतलब वेयर, नॉर्मली हमें मालूम है कि WH क्वेश्चन में क्या, जो वाई W वॉट ये सब, इसका मीनिंग क्या होता है। तो वेयर टू फाइंड यू, आपसे कहाँ मिलूँ, किसे दोस्त हूँ, ठीक है, होम टू ब्लेम, होम टू ब्लेम दैट इज किसे होता है, तो होम टू ब्लेम। नेक्स्ट वन आते हैं अभी, तो यहाँ पे अभी देखते हैं हम नाइन सेंटेंस, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ। ठीक है, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ, यहाँ पे एक तरह का क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहाँ पे हाउ टू मेक यू बिलीव, ये बड़ा एक क्वेश्चन आता है, तो हाउ टू मेक यू बिलीव, जो हम लोग डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यही सब मैं आपको बताऊंगा बेसिक इंग्लिश के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं बेसिक। तो स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट टेन सेंटेंस पे आते हैं, कब तक बर्दाश्त करूँ। ठीक है, कब तक बर्दाश्त करूँ, ये हम बोलते रहते हैं जब कुछ ज़्यादा ओवर हो जाता है, तो उसको इंग्लिश में अगर हमें बोलना था हाउ लॉन्ग टू टॉलरेट। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग दैट इज ड्यूरेशन, एक टाइम पीरियड होता है, तो हाउ लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है कब तक जवाब ना दे, कब तक जवाब ना दे, तो हाउ लॉन्ग नॉट टू रिटॉर, दैट इज मीन जवाब देना। ठीक है, उसको बोलते हैं, तो नॉट आ गया तो हम जवाब ना दे। तो आज के लिए बस इतना, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, स्टे सेफ स्टे होम।